उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। भाजपा और सपा गठबंधन करने के लिए छोटे दलों के संपर्क में हैं। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में छोटे दलों के साथ गठबंधन करके 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपनी सरकार बनाएगी। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि 2022 में समाजवादी पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद सरकार बनाने में छोटे दलों की निर्णायक भूमिका रहेगी, इसीलिए भाजपा को मजबूरन अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा तथा संजय निषाद को साथ रखना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी छोटे दलों से गठबंधन की बात कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कांग्रेस मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन आज उनकी सरकार ही कांग्रेस युक्त हो गई है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा के साथ गठबंधन में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सभी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।